प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार बैठक कर रहे हैं ताकि यूक्रेन में फंसे सभी भारतीयों को सुरक्षित देश वापस लाया जा सके। वहीं लगातार यूक्रेन से छात्रों की वापसी भी हो रही है और छात्रों के एक दल को केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने भी रिसीव किया है। हमारी संवाददाता ममता चतुर्वेदी ने खास बातचीत की उनसे, सुनिए। इस वक्त बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी जी। यूक्रेन से जो छात्र आए, आपने भी उनको रिसीव किया, क्या कुछ बातचीत हुई? देखिए, जितने भी हम क्योंकि यूक्रेन में जो हालात हैं वो बहुत ही मुझे लगता है कि संवेदनशील भी हैं, संकट के भी हैं, युद्ध हो रहा है, हर हिंदुस्तानी सुरक्षित, इसके लिए पूरी ताकत के साथ नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, खुद उनकी निगरानी में हमारी सरकार काम कर रही है और काफ़ी संख्या में यूक्रेन में रह रहे भारत के लोग, छात्र वापस आना शुरू भी हुए हैं। निश्चित तौर से सामान्य स्थिति नहीं है, जो कुछ हालात हैं वो बहुत ही चिंताजनक हैं, लेकिन हमारी प्राथमिकता है कि हर हिंदुस्तानी को सुरक्षित हिंदुस्तान मिल जाए, उस संबंध में काम हो रहा है। देखा जाए तो देश के अलग अलग जगहों से लोग गुजारिश भी कर रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है, सरकार पर भरोसा रखें? देखिए, सरकार पूरी शक्ति के साथ, पूरे संकल्प के साथ, पूरी संवेदनशीलता के साथ हर हिंदुस्तानी को सुरक्षित हिंदुस्तान वापस लाने के लिए काम कर रही है। आखिरी सवाल सर, कांग्रेस पार्टी समेत तमाम विपक्षी दल अब सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं कि पहले इंतजाम करना। देखिए, मुझे क्या लगता है कि ये वक्त जो है सवालों का नहीं है, सवालों के समाधान का है और वो हम कर रहे हैं। वक्त देने के लिए शुक्रिया। कैमरा पर्सन सुनील के साथ ममता चतुर्वेदी, जनतंत्र टीवी, दिल्ली। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।